हेलो दोस्त, आज का वीडियो है एएलपी क्वालिफिकेशन इन इंडी रेलवे जॉब। भारतीय रेल के जॉब में एएलपी जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, पिछले एग्जाम में बदलाव हुआ है, उस कारण से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाले भी जो भी क्वालिफिकेशन था उसका अपडेशन किया गया है। तो इसमें हम देखिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। पहला पार्ट आपका आएगा आईटीआई प्लस टेंथ के बाद जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप होता है और कौन कौन से ट्रेड से होता है उसका रहेगा, और दूसरा पार्ट एक अभी रेलवे ने मॉडिफाई किया है हायर क्वालिफिकेशन। तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग हम अभी बताने वाले हैं। रिलेटेड किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को पुश करना नहीं भूलिए। जो आईटीआई चाहिए उसमें हमारा एनसीबीटी और एसटीबीटी दोनों मान्य है। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एनसीबीटी या एससीबीटी होना चाहिए, तो दोनों से होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित ट्रेड है जिसको आप जिसके आपने आपका आईटीआई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका फिटर है, दूसरा इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, आपका मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इसको पढ़िएगा मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक्स, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड क्वाइल वाइंडर, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, टर्नर एंड मैशनिस्ट। ये आईटीआई के लिए हायर क्वालिफिकेशन में टू टाइप के क्वालिफिकेशन है। पहला डिप्लोमा है जो एआईसीटी से अप्रूव्ड होगा, और एक अदर हायर क्वालिफिकेशन जो पिछले एग्जाम से इसको इंक्लूड कर दिया है 2014 में जो हुई है उसके बाद से। तो आपका डिप्लोमा वाले में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा है तो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो अदर क्वालिफिकेशन है उसमें बीटेक हो सकता है, बीई हो सकता है और एमटेक हो सकता है। लेकिन रेलवे के समय एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये रेलवे ने ये कहीं नहीं लिखा है कि यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रेलवे के तरफ से क्लियर लिखा हुआ है कि आप अदर हायर क्वालिफिकेशन में भी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट विथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब इसके लिए जो हायर क्वालिफिकेशन में कुछ भी हो लेकिन आपका ये जो डिग्री होनी चाहिए एआईसीटी से अप्रूव्ड इस ब्रांच से होने चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि एलपी के क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के लिए मैं